तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। 17 सितंबर को पीएम मोदी के बर्थडे पर केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा शुरू होगा। आयुष्मान भव कार्यक्रम 60,000 लोगों को दिए जाएंगे आयुष्मान भारत कार्ड। विश्वकर्मा योजना का भी होगा श्री गणेश। केंद्र की नौकरियों के लिए भी अब देना होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगले साल ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से हो सकती है शुरुआत। 117 जिलों में होंगे सेंटर। राहुल गांधी सरनेम छोड़ दीजिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता पर बोला हमला। कहा टाइटल लगाने से डकैत साधु नहीं बनता, आप लोग डुप्लीकेट गांधी है। भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत। एशिया कप में पाकिस्तान को 228 रनों से हराया विराट कोहली। केएल राहुल ने जड़ा तथा कुलदीप यादव ने झटके 5 विकेट। निर्माता एजेंसियों को सीएम योगी की दो टूक बोली नई सड़क खराब हुई तो ठेकेदार ही बनाएगा दोबारा। हर सड़क की 5 साल की होती है गारंटी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरी दुनिया में मनेगा दीपोत्सव। मठ मंदिर और घर घर में होंगे अनुष्ठान। दिल्ली में इस बार भी दिवाली पर नहीं सुनाई देंगे पटाखों के शोर। केजरीवाल सरकार ने बिक्री और जलाने पर लगाया बैन। बीजेपी और जेडीएस 2024 में एक साथ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पूर्व पीएम देवगौड़ा का बयान। कहा पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए लिया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। विश्व हिंदू परिषद के 60 साल हुए पूरे नागपुर शोभा यात्रा में समर्थकों ने लहराई तलवारें। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज जाएंगी हिमाचल। कुल्लू समेत 3 जिलों में बाढ़ प्रभावितों से मिलेगी रिसीव करने चंडीगढ़ पहुंचे सीएम सुक्खू। सनातन धर्म पर बयान के बाद तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने अब बीजेपी को बताया जहरीला सांप। का इसे देश से बाहर फेंकने की जरूरत। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया ठीक नहीं। केंद्रीय जांच एजेंसियों को निष्पक्षता से करना चाहिए काम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर बोला हमला। बॉक्स ऑफिस पर जवान की कमाई से मचा हाहाकार। 400 करोड़ के क्लब को छूने के लिए तैयार हुई शाहरुख खान की फिल्म। मुसलमानों के कल्याण के लिए कांग्रेस से ज्यादा काम कर रही भाजपा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा का बड़ा बयान। पशु चिकित्सा की तरह भारत सरकार की बड़ी पहल। एम्स की तरह ही दिल्ली में होगा भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान। लालू प्रसाद यादव ने पत्नी राबड़ी देवी के साथ देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। जला दिए टायर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन जारी। दुनिया के दिग्गजों के साथ हंसी मजाक और सेल्फी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की G20 की कुछ चुनिंदा तस्वीरें। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा जम्मू कश्मीर में हुआ 13,000 करोड़ घोटाला। एशिया कप 2023 में साहिन बनाम कोहली का मैच में होगा मुख्य मुकाबला। विराट से लोगों को काफी उम्मीदें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का बयान। G20 की बैठक के नतीजों ने शेयर बाजार में भरा जोश। पहली बार 20,000 के पार हुई निफ्टी। सेंसेक्स में 528 अंकों का उछाल। एक देश एक चुनाव अभियान 5 राज्यों में चुनाव टालने का जरिया। वकील प्रशांत भूषण का बड़ा दावा। धान खरीद में बायोमेट्रिक सिस्टम की अनिवार्यता पर रोक के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र। किसानों को धाने बेचने में आने वाली परेशानियों का दिया हवाला। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा नहीं ले रहा विराम। अब तक मृतकों की संख्या हुई 2100 के बाद। अंतरिक्ष में सुपर पावर बनेगा भारत। 2030 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा इसरो। बाल विवाह में शामिल 3,000 लोगों को अगले 10 दिनों गिरफ्तार करेगी असम सरकार। सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने दिया आदेश। शायद हमने सरकार को इरिटेट कर दिया। इंडिया वीएस भारत विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र पर तंज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा G20 की बैठक खत्म हो गई है। सरकार को अब घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के संबंधों को बढ़ावा देगा FTA। दोनों पक्षों ने जल्द शुरू करने पर दिया जोर। भारत 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। IMF की गीता गोपीनाथ ने किया बड़ा दावा। CBSE की बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में होंगे बड़े बदलाव। छात्रों को समझाने के लिए नए सैंपल पेपर जारी। सबका साथ सबका विकास की भारत की सोच के कारण इकोनॉमिक कॉरिडोर सबको स्वीकार्य। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। भाजपा राजस्थान को बदनाम कर रही मध्य प्रदेश में अपराध यहां से अधिक। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिखाया आईना।
सनातन धर्म के अपमान पर क्यों नहीं बोले राहुल गांधी, बीजेपी और हिंदुत्व वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। वियतनाम यात्रा चीन पर अंकुश लगाने के लिए नहीं, वैश्विक स्थिरता प्रदान करने के बारे में है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। G20 सम्मेलन से रोडवेज को 3 दिन में 60 लाख का नुकसान, गाजीपुर और लोनी बॉर्डर को किया गया था बंद। पीएम मोदी ने की सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सऊदी अरब भारत का सबसे अहम साझेदार, पीएम मोदी ने कहा हमारे रिश्ते को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। इंडिया का नाम बदलकर रखा जाएगा, भारत विरोध करने वाले छोड़ सकते हैं देश, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष इंडिया गठबंधन को दी चेतावनी। बेंगलुरु में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स ने वापस ली हड़ताल, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने 30 से 27 मांगों पर दी सहमति। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने G20 के सफल आयोजन के लिए पीएम मोदी को दी बधाई। डीएमके सरकार ने मंदिरों की 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस हासिल की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया बड़ा दावा। तुर्की को गर्व होगा अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, राष्ट्रपति एर्दोगन का बड़ा बयान। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के G20 डिनर में शामिल होने पर विपक्ष नाराज, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाया सवाल, कहा आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने आपको शामिल होने को मजबूर कर दिया। करीब 6,000 किलोमीटर लंबा होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग होगा, पहले से 40% कम समय में यूरोप पहुंचेगा भारतीय सामान। शाहरुख इकलौते ऐसे स्टार जिसने अंडरवर्ल्ड के सामने घुटने नहीं टेके, फिल्म निर्माता संजय गुप्ता का बड़ा खुलासा। 2024 में आपकी विदाई का रास्ता जनता ने बनाना शुरू कर दिया, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला, लगाए भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 2024 में आपकी विदाई का रास्ता जनता ने बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अब जब G20 की बैठक खत्म हो गई है, मोदी सरकार को घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगस्त में एक सामान्य खाने की थाली का दाम 24% बढ़ गया है, वहीं देश में बेरोजगारी दर 8% हो गई है, युवाओं का भविष्य अंधकारमय है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार के कुशासन में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है, कई रिपोर्टों में बीजेपी की पोल खोली है। जम्मू कश्मीर में 13,000 करोड़ रुपए का जल जीवन घोटाला सामने आया है, जिसमें एक दलित आईएएस अधिकारी को इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर कर दिया। खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री के पारामित्र की लूट हाल ही में फिर सामने आई है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने 2019 चुनाव के पहले आरबीआई के खजाने से मोदी सरकार को 3,00,000 करोड़ ट्रांसफर करने के सरकारी दबाव का विरोध किया था, यह खुलासा अब सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि इन सब के बीच मोदी जी सच्चाई पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पर जनता मोदी सरकार के ध्यान भटकाने वाले मुद्दे के बजाय सच सुनना और देखना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ध्यान लगाकर यह सुन ले कि 2024 में आपकी विदाई का रास्ता जनता ने बनाना शुरू कर दिया है।